Good morning, guys. Today we are going to learn Maths 2 of Standard 9. Okay, first of all, myself Chandan Kumar. We have to learn today basic concepts in geometry. In the last lectures, we have discussed points, line, plane, and betweenness. Okay. I have told you about all these topics. What is points, what is line and plane, what is called betweenness, when we call a point, it is a between the two points. Okay. Now we are going to learn here today union and intersections of sets in the topics of sets. Now let us describe a segment, array, line, a set of points. हम लोग जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शंस और यूनियन पढ़ने वाले हैं, क्लियर है? उनसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, सेगमेंट्स किनको बोलेंगे हम लोग, क्लियर है? और ये सेट्स जब हम लोग मैथ्स 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन लोगों को मैंने पढ़ाया था, सेट्स पढ़ाया था, क्लियर है? वहाँ पे मैंने बताया था सेट्स के बारे में, इंटरसेक्शंस के बारे में, यूनियन के बारे में, ओके, सबसेट्स के बारे में. उनको जानने, उनको अच्छा से जानने के लिए हमें क्या क्या जानना यहाँ पे जरूरी है, लाइन, सेगमेंट, रे, ओके, और सबसेट्स किनको बोलते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट्स हम लोग किनको बोलते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था क्या लाइन सेगमेंट्स किन से आता है तुम्हारा, द लाइन विच हैज ए पार्टिकुलर लेंथ, इट कंटेन्स टू इन पॉइंट्स एंड द पार्ट बिटवीन द टू इंड्स इज नॉन एज लेंथ ऑफ सेगमेंट. तो लाइन हम लोग किनको बोलते हैं, एक क्या होता है, रे होता है, तुम लोग को पहले मान लो क्या रे किनको बोलेंगे, ये क्या है हमारा एक लाइन है, ओके, तो पहले लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ओके. देखो लाइन जो है ये क्या तुम्हारा सिंगल्स लाइन है, वो वन वे है, ओके. सेगमेंट्स किनको बोलते हैं हम लोग, खंड, टुकड़ा, क्लियर है? किसी भी चीज का टुकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स बोलेंगे. तो सेम इसी प्रकार क्या होगा, लाइन का कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस जो होगा, जैसे मान लो क्या ये वे है हमारा, ये क्या है हमारा रे है, ये क्या होगा राइट साइड भी इंफिनिटी जाएगा और लेफ्ट साइड जो है इधर भी कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा. जिस प्रकार से सन का रेज होता है वो कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है. जैसे हम लोग को मालूम नहीं है वो एक पॉइंट से स्टार्टिंग होता है, जैसे मान लो ये सन है, यहां से स्टार्ट हुआ और इनका रेज जो है वो कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है. सेम उसी प्रकार लाइन जो है ये भी क्या होगा, दोनों साइड से अपोजिट इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, क्लियर है? तो सेगमेंट्स क्या करेंगे, जब इन्फिनिटी तक जाएगा इनके बीच का जो कुछ डिस्टेंस हो, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, पार्टिकुलर डिस्टेंस हो गया, पार्टिकुलर डिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ. जैसे मान लो ये ए है, अगर ये ए है ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा ए, और ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा बी, तो दोनों के बीच में पार्टिकुलर डिस्टेंस हुआ, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, व्हाट एवर भी, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा. तो लाइन सेगमेंट हम लोग किनको बोलेंगे,
व्हेन ए लाइन हैज अ पार्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लाइन सेगमेंट, और इन दोनों के डिस्टेंस के या फिर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, लेंथ बोलेंगे, और ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स कहलाएगा या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स कहलाएगा। क्लियर है? तो लाइन सेगमेंट्स किनको बोलते हैं हम लोग, किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है? द पार्टिकुलर डिस्टेंस व्हिच कैप्स टू एंडिंग पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। इनके पास लाइन सेगमेंट्स में क्या होगा, दो एंड पॉइंट्स होगा। यहाँ पे इस लाइन में ए बी में देखो दो एंड पॉइंट्स है, पहला एंड पॉइंट क्या है ए और दूसरा एंड पॉइंट क्या है बी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पाथ है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। और इनको रीड आउट कैसे बोलेंगे, रीड आउट क्या करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी। ओके, इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, रे ए बी। रे ए बी हम लोग किनको बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे रे को, देखो मैंने क्या बताया, रे जो होता है वो क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट्स होता है और दूसरा क्या होता है उनका इनफिनिटी पॉइंट्स होता है। जैसे मैंने बोला रे ए बी, तो रे ए बी क्या होगा तुम्हारा, सिंपल सी बात है, जब रे होगा तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, एक लाइन होगा वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी, और वो राइट से भी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर भी कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, रे हो गया। क्लियर है? ये रे क्या तुम्हारा जा रहा है, दोनों साइड में क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। राइट साइड में भी नहीं मालूम है कि कहां तक जाएगा, ये राइट साइड है, ओके ये राइट साइड है तुम्हारा, और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है। दोनों साइड कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट साइड भी जा रहा है इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड भी जा रहा है तुम्हारा इन्फिनिटी तक। और तुमसे पूछा कि रे ए बी, तो सिंपल सी बात है, रे ए बी बोल रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ए बी बोला है, ये सेगमेंट होगा, दो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं रे पर, ये क्या तुम्हारा रे है, जो राइट साइड भी इन्फिनिटी जा रहा है और लेफ्ट साइड भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं रे पर, मान लो ये पॉइंट से है, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा ए, और ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, और ये क्या हो गया तुम्हारा बी। तो देखो ए बी क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट्स हो गए, लाइन सेगमेंट्स हो गया, ए बी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट्स हो गया। अब उनके बाद ए बी से आगे क्या है तुम्हारा, रे है, जो कि आगे जा रहा है, ये तो तुमको क्या बोला है, रे ए बी। तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया तुम्हारा, ए बी डिस्टेंस हो गया, ए बी सेगमेंट्स हो गया, लाइन सेगमेंट्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, और इनके बाद जो पॉइंट्स गया हुआ है, मान लो जो पॉइंट्स क्या है तुम्हारा पी है, और ये पॉइंट्स क्या तुम्हारा पी है, तो ये पी पॉइंट से क्या हो गया, ये जो रे किया हुआ, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, रे ए बी कहलाएगा। क्लियर है? ए बी क्या हो गया तुम्हारा, पार्टिकुलर डिस्टेंस सेगमेंट्स हो गया, और उनके बाद जो लेफ्ट कर गया जो डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा, रे ए बी। सिंपल सी बात है, ए बी के पास जो पॉइंट्स जा रही है वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, दोनों साइड में से किसी भी साइड में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रे तुम्हारा ए बी हो
बड़े ए बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारा, लाइन ए बी। लाइन ए बी किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे? सेम अभी मैंने बोला क्या, एक क्या हमारा लाइन सेगमेंट से रे है, क्लियर है, जो लेफ्ट साइड में भी इंफिनिटी तक है और राइट साइड में भी क्या है इंफिनिटी तक है। ये क्या हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड हो गया, ओके। और ये क्या हो गया तुम्हारा राइट साइड हो गया, ये हो गया तुम्हारा राइट साइड, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, लाइन ए बी। लाइन ए बी किनको बोलेंगे? मान लो कि दो पॉइंट्स लिया, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। क्या क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया, ओके। अभी देखो जब हम लोग राइट साइड जाएंगे, किधर जाएंगे हम लोग, जब राइट साइड हम लोग जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, लाइन ए बी ही कहलाएगा। राइट साइड, राइट साइड जाएंगे तभी मैंने क्या बताया, रे ए बी बताया, तो रे ए बी इधर क्या बोलेंगे हम लोग, इनको भी क्या रीड आउट करेंगे हम लोग, लाइन ए बी ही रीड आउट करेंगे। और जब जब हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो इस टाइम पे भी इनको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए बी ही रीड आउट करेंगे। तो क्या हो गया, दोनों क्या होगा इक्वल ही होगा। रे मान लो क्या, इधर भी लेफ्ट साइड में भी जो जा रहा है वो क्या है इंफिनिटी तक जाएगा, और राइट साइड में भी जो जा रहा है वो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा तुम्हारा। दोनों साइड में इंफिनिटी तक जब जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों क्या है तुम्हारा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इक्वल ही रहने वाला है हमेशा, यहाँ से ए बी जो है ये हमेशा क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। कहीं भी इनको पुट करेगा तो वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। और ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, जहां जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो ये क्या कहला जाएगा तुम्हारा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस साइड भी जो है ये भी कहां तक जाएगा तुम्हारा, इंफिनिटी तक जाएगा। जब हमें दोनों के बारे में नहीं मालूम है कि पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या है तो क्या बोलेंगे, लाइन तो दोनों का क्या कहना है, ए बी जो है वो क्या कहलाएगा, दोनों के लिए आएगा, क्योंकि राइट साइड में भी इंफिनिटी है और लेफ्ट साइड में इंफिनिटी है। तो हम इनको क्या पढ़ेंगे, लाइन ए बी पढ़ेंगे, और लाइन ए बी जो है एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो ये राइट हैंड के लिए काउंट करेंगे, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये किन के लिए होगा, हमारा लेफ्ट के लिए होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी देखो रीड आउट क्या बोलेंगे, ए बी ही बोलेंगे। और मैंने बताया था क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसेट। सबसेट मतलब क्या, जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन इक्वल किनको होना है, क्योंकि ये भी क्या है तुम्हारा इंफिनिटी है, लेफ्ट साइड भी क्या है तुम्हारा इंफिनिटी है और राइट साइड भी क्या है तुम्हारा इंफिनिटी है। जब लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या रीड आउट करेंगे, यदि लेफ्ट साइड के लिए जब मुझे पढ़ना होगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, ए बी इंफिनिटी, यही रीड आउट करना पड़ेगा ना मुझे, इनके लिए लेफ्ट साइड के लिए। जब राइट साइड के लिए मैं पढ़ने जाऊंगा तो राइट साइड के लिए भी क्या पढ़ूंगा मैं, राइट साइड के लिए भी मैं क्या पढ़ने जाऊंगा, तो ए बी इंफिनिटी राइट साइड के लिए भी क्या पढ़ूंगा, ए बी इंफिनिटी। तो देखो दोनों साइड क्या हो गया हमारा इक्वल है, ये साइड भी क्या आ गया हमारा ए बी, लेफ्ट साइड भी ए बी और राइट साइड भी क्या हो गया हमारा ए बी, इधर भी राइट साइड भी इंफिनिटी और लेफ्ट साइड भी इंफिनिटी, दोनों क्या इक्वल है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोल देते हैं। मैंने बताया था सबसेट किनको बोलेंगे,
सबसेट किनको बोलते हैं, जब एक एलिमेंट एक सेट का एलिमेंट से दूसरे सेट में क्या हो सारा मिल जाए, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सबसेट बोल देते हैं या इक्वल सेट बोलते हैं। क्लियर है? सबसेट और इक्वल सेट में थोड़ा डिफरेंस है। इक्वल सेट में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्लियर है, दोनों सेट के। लेकिन सबसेट में क्या होगा, एक एलिमेंट एक सेट का एलिमेंट से दूसरे सेट में क्या होंगे पाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सारा एलिमेंट्स दूसरे सेट में जो है, दूसरे सेट का सारा एलिमेंट्स ए सेट में हो लेकिन ए सेट का सारा एलिमेंट्स बी सेट में ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या बोलेंगे इनको, ए बी जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा लाइन, सबसेट हो जाएगा एक दूसरे का, और एक दूसरे का क्या है तुम्हारा यहाँ पर अपोजिट भी है। क्या है, दोनों को एक दूसरे का लाइन ए बी अपोजिट भी है। क्लियर है? लाइन सिंपल सी बात है, लाइन ए बी किनको बोलेंगे, एक सा एक रे होगा और रे पर क्या होगा, दो सेगमेंट्स होगा, दो एंड पॉइंट्स होगा, कौन कौन, एक ए होगा दूसरा बी होगा। क्लियर है? और नेक्स्ट जो होगा जो रे वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और लाइन का मतलब मैंने बताया था, लाइन क्या होता है, लाइन का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, एक उनका जनरेटिंग पॉइंट्स होगा और उस जनरेटिंग पॉइंट से वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और वहीं पर हम लोग लाइन सेगमेंट्स किनको बोलते हैं, क्या होता है वहाँ पे रे होता है, लेकिन उस रे को, उस रे के पास क्या होता है, दो पार्टिकुलर एंड पॉइंट्स होता है और उस पार्टिकुलर एंड पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, एक लेंथ होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? एक रेखा की खंड बोलेंगे। क्लियर? जिनके पास क्या होगा, पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मतलब क्या होता है, इक्वल सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट्स मतलब क्या होता है तुम्हारा, इक्वल होता है। हम लोग सेकंड लैंग्वेज में इनको क्या बोलेंगे, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट्स को इक्वल बोलते हैं। राइट डाउन करो, सेगमेंट्स मैंने बता दिया क्या होगा, पार्टिकुलर लेंथ होगा। ओके, कॉन्ग्रुएंट्स मतलब लिखो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट्स मतलब इक्वल, तो क्या बोलेंगे, इक्वल सेगमेंट्स मतलब इक्वल पार्टिकुलर लेंथ, इक्वल पार्टिकुलर लेंथ। यदि मान लो मैं दो लाइन सेगमेंट लिया और दोनों का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, सेम है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वो लाइन क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहलाएगा। क्लियर है? राइट डाउन करो, मान लो ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है। फर्स्ट लाइन क्या है, मान लो ये ए है और सेकेंड पॉइंट्स क्या है, ये बी है, एंड पॉइंट है इनका, इनका एंड पॉइंट है। और दूसरा लाइन कौन सा है, सी है और क्या है, डी है। दो एंड पॉइंट्स क्या हो गया इसका, सी डी, और एक का क्या होगा तुम्हारा, ए और बी। तो अभी देखो ये क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहलाएगा। कब, जब लेंथ ऑफ ए बी क्या हो, इक्वल हो किनके, लेंथ ऑफ सी डी के। क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इनका CD का ये डिस्टेंस के बराबर। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहलाएगा। तो राइट आंसर करो, लेंथ ऑफ AB equal to length of CD, length of AB क्या होगा, equal होगा किनके, length of CD के। तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, या length बोल दो या distance बोल दो, दोनों क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है तुम्हारा, equal ही होगा।
ओके तो इसको लिखो, लेंथ को किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, एल से करते हैं, उनके बाद ब्रैकेट डालो ए बी, डिस्टेंस में क्या करते हैं हम लोग बीच में कोमा देते हैं, लेकिन लेंथ में क्या करेंगे हम लोग कोमा नहीं डालेंगे। यदि डिस्टेंस लिखना रहता तो हम लोग क्या लिखते, ए कोमा बी लिखते, और कॉन्ग्रेंस का साइन देखो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ओके बी का जैसा एक शेप बनाओ, उनके बाद दो इक्वल का साइन डालो, उनको हम लोग क्या रीड आउट करेंगे, कॉन्ग्रेंस, क्लियर है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ सी डी, ओके ये क्या हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ ए बी कॉन्ग्रुएंट्स टू लेंथ ऑफ सी डी, इनको क्या बोल देंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बोलेंगे। तो लिख लो कॉन्ग्रुएंट्स का साइन कैसा होगा तुम्हारा, इनका साइन मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लो साइन इनका, ये क्या हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट्स का साइन हो गया, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, अब हम लोग आगे देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स के कितने प्रॉपर्टीज हैं, कितने प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, कितने हैं, थ्री प्रॉपर्टीज, ओके कॉन्ग्रुएंसी के कितने प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं, पहला क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्सिबिलिटी, पहला क्या है रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिबिलिटी हम लोग किनको बोलेंगे देखो, जब क्या हो दो सेगमेंट्स हो हमारे पास, क्या हो दो सेगमेंट्स हो, मान लो ये हमारा सेगमेंट्स है ए और सेगमेंट्स ए बी, क्लियर है। पहला सेगमेंट्स क्या है हमारा, पहला सेगमेंट्स क्या है ए बी, ए दूसरा क्या है बी, रिफ्लेक्स तुम लोग को पढ़ाया गया होगा साइंस में, रिफ्लेक्स किनको बोलते हैं हम लोग, देखो रिफ्लेक्स किनको रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है जब तुम्हारा मिरर क्या करता है, मिरर के सामने जब तुम खड़ा होता हो और तुम्हारे चेहरे को क्या करता है सेम टू सेम वो रिप्रेजेंट कर देता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो सपोज करो क्या ये ए बी क्या है तुम्हारा लाइन सेगमेंट्स है और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, क्लियर है, क्या लगा हुआ है मिरर लगा हुआ है, मिरर क्या करेगा ये जो ए बी को है सेम टू सेम क्या करेगा दूसरे लाइन सेगमेंट पे रिप्रेजेंट कर देगा, यहाँ भी क्या कर देगा वो ए बी को रिप्रेजेंट कर देगा सेम लाइन सेम लेंथ के साथ, तो ये क्या कहला जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्टिविटी कहला जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी कहला जाएगा, क्लियर है। जब क्या हो सेम सेगमेंट्स को दूसरे साइड कर क्या कर दिया जाए रिप्रेजेंट किया जाए विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ, ओके इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी किन में होगा तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में, और कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है इक्वल, क्लियर है। जब दो सेगमेंट्स क्या हो इक्वल हो तो उनमें पहला प्रॉपर्टी क्या है रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा जो तुम्हारा सेगमेंट्स ऑफ लेंथ दिया हुआ है सेगमेंट दिया हुआ है वो सेगमेंट्स क्या होगा सेम टू सेम क्या हो जाएगा अदर सेगमेंट्स के इक्वल हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिविटी। जिस प्रकार से हम लोग जब मिरर देखते हैं तो हमारा मिरर में क्या होता है कि हमारा जो चेहरा होता है वो सेम टू सेम रिप्रेजेंट किया जाता है मिरर के द्वारा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं, सेम मैथ्स में भी यही होगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है इक्वल, सिमेट्री मतलब क्या होगा
इक्वल। यदि मैं बोलूं क्या ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है क्या ये सिमेट्री है, तो हम लोग क्या बोले यस ह्यूमन बींग्स क्या है तुम्हारा सिमेट्रिकल। जैसे देखो जब हम लोग क्या करेंगे बीच से बिटवीन ह्यूमन बींग्स को क्या ह्यूमन बींग्स को कट करेंगे तो क्या होगा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यदि एक नाक एक आंख वन आईज राइट में है तो अदर आईज क्या है तुम्हारा लेफ्ट में भी है, वन ईयर राइट में है तो अदर ईयर क्या है तुम्हारा सेकेंड ईयर किधर है लेफ्ट में भी है, क्लियर है। यदि वन हैंड तुम्हारा राइट हैंड साइड जा रहा है तो सेकेंड हैंड किधर आ रहा है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, दोनों साइड क्या है तुम्हारा इक्वल इक्वल डिविजन है, क्लियर है। किसी में कुछ ज्यादा डिवाइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि राइट साइड में क्या कर दिया दो आंख ज्यादा लगा दिया टू ईयर्स ज्यादा है या फिर टू आईज ज्यादा है, ऐसा नहीं। दोनों साइड क्या है लेफ्ट और राइट साइड क्या है तुम्हारा सेम इक्वल है एवरीथिंग, उनको हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्री बोलेंगे, क्लियर है। राइट देख लो सिमेट्री किनको बोलते हैं, अभी ये मान लो क्या एक लाइन है, क्लियर है। ये मान लो क्या ए है और ये क्या तुम्हारा बी है, ए बी क्या हो गया तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा सी हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा डी हो गया। यदि मैं बोलूं क्या सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं लाइन सेगमेंट ए बी और इनको बीच से क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ कट कर दे रहा हूँ, क्लियर है। तो देखो क्या हो रहा है ए बी और सी डी के पास एक ए बी सेगमेंट्स में क्या है इनके पास भी पहला सेगमेंट क्या है ए है, एक इंड पॉइंट क्या है ए है, इनके पास भी पहला इंड पॉइंट क्या है सी है, इनके पास दूसरा इंड पॉइंट क्या है बी है और इनके पास दूसरा इंड पॉइंट क्या है डी है। तो देखो दोनों के पास कितने इंड पॉइंट है दो इंड पॉइंट है, ए बी के पास भी दो इंड पॉइंट है ए और बी और सी डी के पास भी दो इंड पॉइंट है सी और डी, ओके। यदि मान लो ए बी का लाइन सेगमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर है और सी डी का भी कितना है 5 सेंटीमीटर है तो इनका मतलब क्या हो गया लाइन सेगमेंट जो हो गया लेंथ जो हो गया दोनों का क्या है इक्वल है, लेंथ क्या है दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा इक्वल, लेंथ क्या हो गया दोनों का इक्वल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा क्या कहलाएगा सिमेट्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा ए बी क्या कहलाएगा ए बी इक्वल हो जाएगा किनका सी डी का, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा सिमेट्री कहलाएगा। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे सी डी इक्वल हो गया क्या ए बी, दोनों बात ही क्या पढ़ने वाला बराबर ही होने वाला है सी डी इक्वल टू ए बी, ये क्या कहलाएगा सिमेट्री कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रांजिविटी, ट्रांजिविटी हम लोग देखो किनको बोलेंगे। यदि मान लो कि 10 आदमी है बोलते हैं कि ट्रांसफर करना क्या, जैसे मनी ट्रांसफर करते हैं हम लोग पैसे को ट्रांसफर करते हैं। अभी मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुमने 10 रुपया क्या किया मोहन को ट्रांसफर किया, मोहन ने किनको किया सोहन को किया, सोहन ने किनको किया सीता को किया, सीता किनको किया राधे को किया। इस प्रकार से क्या हो रहा है उस 10 रुपये को क्या किया जा रहा है ट्रांसफर किया जा रहा है। और मान लो कि जो जिसने शुरू में दिया 10 रुपया उनके पास भी 10 रुपया है, तो अब यदि तुमसे पूछेगा कि बताओ सीता के पास कितने रुपए हैं क्योंकि सीता को कितना रुपया ट्रांसफर किया गया 10 और जो मैंने मान लो मैंने दिया था तो मेरे पास भी कितने रुपए हैं 10, तो क्या हो गया एक दूसरे से ट्रांसफर किया गया तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिविटी क्या होगा एक सेगमेंट क्या होगा दूसरे सेगमेंट से इक्वल होगा और लास्ट वाले सेगमेंट जो है वो भी क्या होगा फर्स्ट वाले सेगमेंट्स के इक्वल होगा। जैसे मान लो कि सेगमेंट्स क्या क्या है तुम्हारा ए बी है सी डी है और एक सेगमेंट्स ले लो और एक सेगमेंट्स ले लेते हैं हम लोग क्या मान लो ये क्या हो गया ई हो गया
ये क्या हो गया e हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा f हो गया, क्लियर है। और क्या बोल दिया, ए बी सेगमेंट किन के इक्वल है सी डी के, और सी डी किन के इक्वल है ई एफ के, सी डी सेगमेंट्स किन के इक्वल है, सी डी सेगमेंट्स किन के इक्वल है ई एफ का, ये क्या हो गया मान लो ए सेगमेंट्स ए बी इक्वल है किनका सी डी का, ये फर्स्ट कंडीशन बन गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड कंडीशन बन गया। तो देखो क्या बोल रहा है, ए बी है सी डी के बराबर और सी डी किनके है ई एफ के बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो क्या होगा ए बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, सेगमेंट्स ए बी इक्वल किनके हो जाएगा तुम्हारा ई एफ EF हो गया। तो ये क्या कहलाया तुम्हारा ट्रांजिटिविटी का है। देखो क्यों, क्योंकि देखो AB को EF से कोई लेना देना था नहीं था, उनका कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन AB का रिलेशन किनके साथ था CD के साथ था, और EF का रिलेशन भी AB के साथ कुछ नहीं था, लेकिन EF का रिलेशन किनके साथ था तुम्हारा CD के पास था, CD के साथ था, इनका रिलेशन इनके साथ, इनका रिलेशन इनके साथ। तो CD जो है वो क्या किया, मेडिएटर का काम किया, और मेडिएटर का काम करके ए बी और सी डी ईएफ को क्या कर दिया, मिला दिया, वो दोनों भी क्या हो गया तुम्हारा इक्वल हो गया, क्लियर है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट्स। मिड पॉइंट सेगमेंट्स किनको बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मान लो कि एक क्या एक लाइन है हमारा, क्लियर है, लाइन है। अब लाइन के पास क्या होगा, मतलब दो से रे होगा दोनों साइड, दोनों एंड, ओके, दो इंड पॉइंट्स है, बोला सेगमेंट्स बोला है, मान लो कि सेगमेंट्स से ले लिए, एक सेगमेंट्स दो इंड पॉइंट्स, एक क्या होगा तुम्हारा एक ए हो गया, और दूसरा इंड पॉइंट्स क्या हो गया तुम्हारा बी हो गया, क्लियर है। इनका क्या होगा मिड पॉइंट्स होगा, मिड पॉइंट्स किनको बोलते हैं, ऐसा पॉइंट्स जो इस पॉइंट से इनका भी डिस्टेंस क्या हो, राइट साइड भी क्या हो इक्वल हो, और लेफ्ट साइड भी क्या हो इक्वल हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे मिड पॉइंट्स बोलेंगे। मान लो ये पॉइंट्स क्या है तुम्हारा एम है, जब m है तो m कब मिड पॉइंट कहलाएगा, जब क्या हो ए एम क्या होगा इक्वल होगा किनका बी एम का, मतलब क्या है m से जो डिस्टेंस है b का वो क्या है एज कम इक्वल है किनके, जो m का जो डिस्टेंस m से जो डिस्टेंस a का है, क्लियर है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ ए सेगमेंट्स। ये भी क्या है सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स किनको बोलेंगे, हम लोग पहले ही बता चुका हूँ मैं कि पार्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं, क्लियर है। उन पे कोई पॉइंट्स है तो उनको क्या बोलेंगे मिड पॉइंट्स का बोलेंगे, जब क्या हो ए का डिस्टेंस इक्वल हो उस पॉइंट से एज कम्पेयर टू द बी का भी डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो उस पॉइंट से, उनको हम लोग क्या बोलेंगे मिड पॉइंट बोलेंगे। और इनको राइट डाउन कैसे करेंगे, मिड पॉइंट्स को ए लिखेंगे, एम लिखेंगे, और उनके बाद बी लिखेंगे, इनको बोल देंगे क्या मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, क्लियर है। एम इज क्या हो गया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, ओके, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स।
नेक्स्ट क्या है, कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट। ओके, कंपेरिजन किस प्रकार से करते हैं हम लोग, कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट कैसा हो जाएगा, कैसे होगा, मान लो एक सेगमेंट्स, पहला सेगमेंट्स क्या है हमारा, ए बी है, दूसरा सेगमेंट्स ले लेते हैं ओके दूसरा सेगमेंट से ले लेते हैं हम लोग क्या, सी डी। ओके कंपेरिजन क्या होता है, कंपेरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करना, क्लियर है। कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट मीन्स क्या हो गया, तुलना करना एक दूसरे को, हम लोग क्या करेंगे, एक कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो ए बी का लेंथ कितना है, मान लो ए बी का है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ कितना है, AB का लेंथ कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और CD का कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन बड़ा है इसमें कौन छोटा है, क्या हो जाएगा तुम्हारा सेगमेंट AB जो है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनका लेंथ क्या है तुम्हारा ज्यादा है, तो उनको किस प्रकार से ये साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा वाला को बड़े और को मुंह खुला हुआ होगा और छोटे वाले के साथ क्रॉस होगा, छोटा क्या हो जाएगा तुम्हारा सीडी, क्लियर है। ये क्या हो गया तुम्हारा कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स हो गया। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स किनको बोलते हैं, व्हेन वी कंपेयर्स द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट्स इज नोन एज कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। ओके इनको अदर साइड से भी लिख सकते हैं, अदर टाइप से कैसे लिखेंगे, सेगमेंट सीडी is less than segment AB. Okay. और next topic हमारा क्या है, perpendicularity of a segment or rays. देखो अब हम लोग क्या करना है इसमें, सेगमेंट्स ऑन रेज, रेज होगा एक, मान लो ये क्या हमारा रेज है, क्लियर है। रेज में हमेशा क्या होता है तुम्हारा, एरो होता है। ओके ये मान लो सेगमेंट्स है, और इस पे क्या बोला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा, ओके। और ये सेगमेंट्स है, ये क्या हो गया, जब परपेंडिकुलर बोला है तो सिंपल सी बात 90 डिग्री, और ये सेगमेंट्स क्या हो गया तुम्हारा ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इनको क्या बोल दिए, ए बी पर क्या है, ए बी सेगमेंट्स पर तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या है सी डी है, क्या है ए बी पर, ए बी, ए बी क्या हो गया सेगमेंट्स हो गया, ए बी सेगमेंट्स और सी डी भी क्या होगा सेगमेंट्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको क्या रीड आउट करेंगे परपेंडिकुलर, तो क्या बोलेंगे सी डी इज, राइट डाउन कैसे करेंगे, सी डी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को इस प्रकार से साइन देते हैं, अपोजिट टी बोल सकते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया टू ए बी,
perpendicularity of segments on rays AB. ये क्या हो गया तुम्हारा AB रेज, रेज के बारे में मैंने बताया, AB बोला है तो क्या होगा सेगमेंट्स, सबसे पहले क्या होगा सेगमेंट्स होगा, लेकिन उनका एंड पॉइंट जो वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रेज बोल देंगे. क्लियर है? तो ये रेज क्या हो गया तुम्हारा AB रेज हो गया, उन पे परपेंडिकुलर क्या हो गया CD हो गया. CD परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं. क्लियर है? ये तुम्हारा 9th था. देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम ए लाइन. ओके, फिर से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो. एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, क्लियर है? यहाँ पर क्या हो गया, दो पॉइंट्स लिया मैंने, दो सेगमेंट्स, दो एंड पॉइंट्स लिया. एक ले लिया कौन सा, ए, और दूसरा कौन सा ले लिया, बी. ओके, ये क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम ए लाइन. एक कोई पॉइंट से मान लो, यहाँ पर कोई पॉइंट, क्लियर है? क्या बोला, लाइन से उनका डिस्टेंस. तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, मान लो ये लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट्स है उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहाँ पे, सेगमेंट्स पे. क्लियर है? ये मान लो ये पॉइंट्स क्या था हमारा, सी था. क्या था ये पॉइंट, सी था, और जो नीचे आया जहाँ पे कट कर रहा है सेगमेंट्स का, वो पॉइंट्स क्या है तुम्हारा, डी है. तुमसे क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम ए लाइन, तो लाइन से बताओ कि डिस्टेंस कितना है पॉइंट्स का. तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेगमेंट सी डी. सी डी का क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या कहला जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. लाइन कौन सा था हमारा, ए बी था, ए बी लाइन था, और पॉइंट्स कौन सा था हमारा, सी था, जो कि हमें मालूम नहीं था जब ड्रॉप किए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट हो गया, हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम ए लाइन. इज इट क्लियर? ओके, ये टॉपिक्स था. अब हम लोग किसमें आते हैं, प्रॉब्लम सेट में देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं. ओके, ओके गाइस, एक्सरसाइज में आते हैं. एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है.